टोनी स्टार्क तो बिल्कुल सच कह रहा है ना, मतलब हमारे शहर में आइस टाइगर कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, इन टाइगर्स को आइस टाइगर इसलिए बोला जाता है क्योंकि आइस एज के जमाने में भी ये जिंदा थे। कि एक मिनट गाइस, ये तो मुझे अभी भी हिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपको भी ये हिलता हुआ नजर आ रहा है तो जल्दी वीडियो को लाइक करो, इस बात पर चैनल सब्सक्राइब। अरे टोनी स्टार्क ये लिटरली मिल रहे हैं क्या? अब ये मर चुके हैं, ये जिंदा कैसे हो सकते हैं? अरे यार मुझे खुद दिखा था गाइस, कॉमेंट में बताओ यस लिख के टोनी स्टार्क को कि मुझे एक टाइगर हिलता हुआ दिखा था। फ्रैंकलिन हो ही नहीं सकता भाई, ये मर चुके हैं क्योंकि आइस एज के जमाने के आइस टाइगर थे ये, इसलिए इनका कलर भी देख बिल्कुल बर्फ जैसा रहता है। टोनी स्टार्क इधर देखा गया, क्या हो गया, क्यों परेशान हो रहा है इतना? अबे फ्रैंकलिन अभी तो मेरे को भी एक टाइगर मैं बर्बाद हो गया। अबे फ्रैंकलिन ये कौन है भाई? ये टाइगर से एक साथ से टाइगर हल्क कैसे बन गया? बच्चों मैं कोई टाइगर हल्क नहीं हूं, मैं आइस टाइगर गॉड हूं। आइस टाइगर गॉड? बिल्कुल, मैं आइस एज के जमाने का आइस टाइगर गॉड हूं। सब बर्बाद हो गया, सारे आइस टाइगर मर रहे हैं, प्लीज हमारी मदद करो। हमारी मदद करोगे तो मैं तुम्हें स्पेशल गिफ्ट दूंगा। लेकिन आइस एज के जमाने के आइस टाइगर गॉड आपके साथ हुआ क्या, बताएंगे? बताता हूं। आइस एज के जमाने की बात है, जब मैं ऑल फादर 10-हेडेड आइस टाइगर गॉड हुआ करता था। ऑल फादर का क्या मतलब? मतलब मेरे 10 सर थे और मेरे उन सभी हेड्स के ऊपर आइस से बनी हुई शक्तियां थी, इसलिए मेरा कलर बर्फ जैसा था और मैं था आइस टाइगर। इस दुनिया के सारे जितने भी आइस टाइगर अब मर चुके हैं, उन सभी का मैं गॉड राजा हुआ करता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, आइस एज का जमाना चलाता गया मेरे बच्चों, और उसको अपने आप नहीं गया था, उसके पीछे था लावा टाइगर। लावा टाइगर? बिल्कुल, ठंड कम होती चली गई, गर्मी बढ़ती चली गई, क्योंकि लावा टाइगर और आइस टाइगर की बहुत खतरनाक लड़ाई हो चुकी थी। अब फ्रैंकलिन ये कितनी खतरनाक कहानी है। ये कहानी नहीं है मेरे बच्चों, ये सच्चाई है, हकीकत है। उस लावा टाइगर ने अपनी आर्मी आगे बढ़ा ली, उस लावा टाइगर गॉड ने अपनी आर्मी का इस्तेमाल करके मुझ पर अटैक करना चाहा। मैं ताकतवर था, फिर भी मैंने होल्ड बैक किया। मैंने चाहा मामला आराम से सुलट जाए, लेकिन उसने इतनी गर्मी पैदा की कि उससे मेरे आइस टाइगर्स को दिक्कत होने लगी। फिर मेरे पास भी कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन मैं उस पर अटैक करता भी क्या, मेरे सारे के सारे आइस टाइगर वाले हेड्स पिघल रहे थे गर्मी की वजह से। ओ माय गॉड गाइस, और यहां पे लावा टाइगर गॉड बड़ा होता चला गया। ओ माय गॉड, देख टोनी स्टार्क, अबे फ्रैंकलिन ये क्या, हमें आइस टाइगर गॉड की मदद करनी होगी। उसके बाद मेरे बच्चों मैंने लावा टाइगर को बहुत बुरी तरह से पीटना चाहा, मैंने उसकी आर्मी को तो डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन फिर लावा टाइगर गॉड का क्या हुआ, वो बहुत ताकतवर हो चुका था, वो मेरी पहुंच से बाहर हो चुका था। हमारा युद्ध न जाने कितने हजारों सालों चला और वहां पर जीत उसी की हुई, और मेरे 5 सर वो ले गया पिघलाकर। ओ माय गॉड गाइस, और ये कौन है? ये था अर्थ टाइगर गॉड। अर्थ टाइगर गॉड? अब फ्रैंकलिन ये तो अभी के जमाने का अर्थ टाइगर गॉड लग रहा है, देखिए कितना ग्रीन है और इसकी काली पट्टियां कितनी प्यारी लग रही हैं। वो छोड़ो मेरे बच्चों, अर्थ टाइगर गॉड ने भी अपनी आर्मी बुलाई और मुझ पे हमला करना चाहा, जिससे कि वो आइस एज के टाइगर्स को पूरी तरह से खत्म कर दे। लेकिन मेरे टाइगर्स मेरी रक्षा करने के लिए आए, और उसने आइस टाइगर गॉड की रक्षा करने के लिए सारे के सारे अर्थ गॉड टाइगर को मारना चाहा। उसके बाद क्या हुआ गाइस, यहां पे आइस टाइगर कितने प्यारे लग रहे हैं, ये बेचारे अभी बर्फ में जमे हुए हैं, जो देखिए यहां पर हमारे आइस टाइगर गॉड को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल रहे थे। बिल्कुल फ्रैंकलिन, हमें इनकी मदद करनी होगी वीडियो लाइक करके। बिल्कुल गाइस, इनके लिए प्लीज वीडियो लाइक कर दो। लेकिन बच्चों उससे कुछ नहीं हुआ, आइस टाइगर गॉड इतने ज्यादा ताकतवर नहीं थे कि वो अर्थ टाइगर गॉड को हरा पाए, और अर्थ टाइगर गॉड ने मेरे सारे प्यारे प्यारे आइस टाइगर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। मैं मजबूर हो गया था, मुझे मजबूरन उसके सामने हारना पड़ा, और वो एक एक करके मेरे सारे हेड्स की शक्तियों को छीनता गया, और अर्थ टाइगर गॉड बहुत विशाल बन गया। ओ माय गॉड गाइस, आइस टाइगर गॉड कितना सा हो गया, और ये बेचारा पूरी तरह से लुप्त होने जा रहा है। बिल्कुल मेरे बच्चों, प्लीज जल्दी इस पोर्टल में जाओ और जाकर मेरी सारी शक्तियां वापस लाओ और बचा लो इन सभी बर्फ में जमे आइस टाइगर्स को। गाइस हमें इन सभी आइस टाइगर, ये क्या फ्रैंकलिन, हम तो लावा टाइगर के पास आ गए भाई। अरे टोनी स्टार्क ये बहुत गर्म है। लावा टाइगर गॉड कोई नॉर्मल गॉड नहीं है फ्रैंकलिन, ये पूरी तरह से लावा से बना हुआ है, और देख यहां पर लावा टाइगर गॉड हल्क्स भी हैं। हमें सबसे पहले इन सभी को बेहोश करके लावा टाइगर गॉड तक पहुंचना होगा, जिससे कि हम इसकी सुपर पावर्स चुराकर हमारे आइस टाइगर गॉड को वापस कर पाए, जिससे वो हमारे जितने भी बचे कुछ आइस टाइगर्स हैं उन सभी को जिंदा कर पाए। लेकिन टोनी स्टार्क इसके पास तो यार एक मुंह में पावर्स रखी है और एक हेड में। एक मिनट टोनी स्टार्क, मैं तो हेड वाली पावर चुराऊंगा, तू मुंह वाली चुराई हो, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अबे फ्रैंकलिन पकड़े गए, छोड़ छोड़ हमको, अरे बाप रे, निकल जाओ, हटो, अरे चला दिया। अबे फ्रैंकलिन मरे, हम तो बुरे वाले गाइस, हमें बहुत बुरी आग
लग रही है। बिल्कुल गाइस, अरे बाप रे, अब क्या होगा? अरे बहुत बुरी हालत है टूरिस्ट, ऐसा क्या करें? फ्रैंकलिन कुछ देर में बुझ जाएगी। अरे नहीं बुझ रही है गाइस, प्लीज हेल्प अस, जल्दी बेटे लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया हम तो यहाँ पे मर जाएंगे। फ्रैंकलिन ये काम नहीं कर रहा है, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ ना। गाइस एक काम करो, कॉमेंट में जल्दी से हेल्प मी आइस टाइगर गॉड लिखिए प्लीज। हाँ गाइस, ये देखिए स्क्रीन पर भी लिखा हुआ रहा है हेल्प मी आइस टाइगर गॉड, प्लीज जल्दी लिखो, वो हमारी मदद करेंगे। मेरे बच्चों मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, मैं तुम्हें ठंडक दे रहा हूँ। वाह फाइनली, अब फ्रैंकलिन यार बाल बाल बच गए, वरना आज तो बैंड बच जाती। अब मुझे समझ नहीं हमसे करें। पहले मेरे पास एक आइडिया है, हम पहले आइस टाइगर गॉड हल्क्स को बेहोश करेंगे, उसके बाद इन्होंने जो आइस क्रिस्टल्स को, अबे ये तो आइस क्रिस्टल ही है। बिल्कुल फ्रैंकलिन, जल्दी से इसको ले आ बच्चे, तुम इसका इस्तेमाल करके आइस टाइगर भी बन सकते हो कुछ टाइम के लिए। गाइस अगर ये आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके हम कुछ टाइम के लिए टाइगर बन सकते हैं आइस वाले, तो हम लावा टाइगर को हरा सकते हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लेकिन लावा टाइगर गॉड हल्क को कैसे हराएं? उसका मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है, मैं इनको बेहोश कर सकता हूं। मैंने यहां पर लोगों को ही नहीं हल्क्स को बेहोश करने की भी ट्रेनिंग ली थी। ऑलराइट गाइस, अब भी आप मेरा जादू देखते जाइए। मारा, अबे क्या कर दिया, अबे ये क्या कर रहा है भैया, कीड़ा क्या कर रहा है, मेरा दरम मार रहा है तो। वाह फाइनली मैंने इनको बेहोश कर दिया। फ्रैंकलिन अब क्या करेंगे? एक मिनट टोनी स्टार्क, इस क्रिस्टल को फोड़ कर देखें। लेकिन क्रिस्टल को फोड़ने से क्या होगा? अबे फोड़ तो क्या पता हमारे को। अबे फ्रैंकलिन एक मिनट, ये क्या, तू वो छोड़, देख यहां पर वो जो लावा टाइगर गॉड था वो गन में बदल गया। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे क्या, अब यहां पर इस गन का इस्तेमाल करके मैं यहां पर बचे कुछ लावा टाइगर गॉड को हरा सकता हूं। बिल्कुल, ये मारा, अब बात है लावा टाइगर गॉड की तो बैंड बजा दी मैंने। बिल्कुल टोनी स्टार्क जल्दी कर, हमें इन क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके एक आइस टाइगर का सूट बनाना होगा। बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? यहां पर मैंने सारे क्रिस्टल्स चुरा लिए हैं, मैं तेरे पास आ रहा हूं। गाइस अभी आप देखते जाओ हम इन आइस क्रिस्टल का इस्तेमाल करके कैसे एक आइस टाइगर का सूट बनाते हैं, उसको मैं पहनूंगा भाई। ठीक है तुझे जो बनना है बन, मैं यहां पे ट्राई कर रहा हूं। गाइस ये जैसे ही ना क्रिस्टल्स आइस टाइगर में बदलेंगे मैं तुरंत इनको पहन लूंगा। मेरे बच्चों जल्दी करो वरना लावा टाइगर तुम्हें हरा देगा। वाह गाइस देखिए आइस टाइगर का सूट बन चुका है, अब भी मैं इसको पहनने वाला हूं। फ्रैंकलिन तेरे पास लिमिटेड समय है, ठीक है? बिल्कुल गाइस, मैं कितना खूबसूरत लग रहा हूं, अब मेरे को रेटिंग दीजिए 10/10 या 10/100। कम ऑन अपने फ्रैंकलिन को रेटिंग दो, बाकी मैं जल्दी-जल्दी आगे जाता हूं और यहां पर लावा टाइगर की जितनी भी पावर्स हैं उनको चुराकर अपने आइस टाइगर को वापस कर देता हूं। फ्रैंकलिन जल्दी कर मेरे भाई। नहीं, मेरी पावर्स कौन चुरा रहा है, किसकी इतनी हिम्मत? गाइस लावा टाइगर गॉड को पता चल गया कि यहां पर उसकी पावर्स चुराई जा रही है, मुझे जल्दी करना है। फ्रैंकलिन जल्दी कर, अबे तू तो मुंह के अंदर भी घुस गया। बिल्कुल टोनी स्टार्क, क्योंकि यहां पर तू साधारण इंसान है, अभी तो मैं भी साधारण इंसान हूं, लेकिन गाइस हम तो दुनिया में वापस आ गए अपनी में और हमने आइस टाइगर की जितनी भी पावर्स थी उन सभी को चुरा लिया है। ऑलराइट गाइस, अब भी हम आइस टाइगर के पास वापस चलते हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन पूरी स्पीड में चलता है। ओके आ गए, वाह मेरे बच्चों वाह, तुम आ गए, जल्दी करो मेरे बच्चों, बहुत ही कम समय है। तुमने जैसे ही आइस टाइगर की पावर्स को वापस लिया उस लावा टाइगर से, यहां पे सारे टाइगर्स की आइस यहां पे पिघल चुकी है, अब यहां पर मैं भी बड़ा होना स्टार्ट हो गया हूं। वाह गाइस देखिए हमारा आइस टाइगर गॉड अब वापस से कितना बड़ा जायंट हो गया है। फ्रैंकलिन इतना ही नहीं, हमारा आइस टाइगर गॉड कोई साधारण गॉड नहीं था, वो 10-headed हुआ करता था। बिल्कुल मेरे बच्चों, और अभी मैं बनने जा रहा हूं 5-headed आइस टाइगर गॉड। इतना ही नहीं मेरे बच्चों, यहां पर जो मेरे टाइगर्स थे अब मैं उनको जिंदा कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे 5 और पावर्स चाहिए। मैं तुम्हें तुम्हारे गिफ्ट दे देता हूं। क्या गिफ्ट? कैसे गिफ्ट? पीछे देखो। ओके गाइस, अरे वाह फ्रैंकलिन हमारे पीछे, ओ माय गॉड, ये तो आइस टाइगर आयरन मैन का सूट है, मैं तो आइस टाइगर बन गया और मैं आइस टाइगर हल्क बन चुका हूं, क्या बात है। फ्रैंकलिन जल्दी से आ जा भाई, यहां पर हमें पोर्टल में जाना होगा और हमें, अरे 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 हम तो अर्थ टाइगर गॉड के पास आ गए। अर्थ टाइगर गॉड? अरे गाइस अर्थ टाइगर गॉड कितना हरा है भाई। गाइस टाइगर की पहचान कुछ भी कहो काली पट्टियों से होती है। ये बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन ब्लैक टाइगर कैसा होगा? वो छोड़, पहले तू यहां पर ये देख, ये जो अर्थ टाइगर है कितना हरा टाइगर है, मतलब हम इसको ग्रीन टाइगर भी बोल सकते हैं। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लेकिन पावर्स कहां पर है हमारे आइस टाइगर की? ये रही फ्रैंकलिन देख, यही पावर्स हमें चुरानी है इस अर्थ टाइगर से, क्योंकि ये इसकी है ही नहीं, ये हमारे आइस टाइगर से चुराई हुई पावर्स हैं। एक बार पेड़ की तरफ ज़ूम करके देखना स्टार्क। एक मिनट फ्रैंकलिन, यहां तो भाई आइस टाइगर हल्क छुपे हुए हैं, अबे इसका मतलब यहां पर ये सब के सब हमारी फ्रॉक में बैठे हैं, अगर गलती से भी हमें दिख गए तो ये हमें वहीं खा चबा जाएंगे। अभी तो मेरे पास आइस टाइगर की पावर भी नहीं बची। फ्रैंकलिन ये क्या बोल रहा है तू, हमारे पास ऑलरेडी आइस टाइगर हल्क और आइस टाइगर आयरन मैन के सूट भी तो है। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन फिर भी हमें छुप के जाना पड़ेगा, कुछ भरोसा नहीं है, अर्थ टाइगर ज्यादा तगड़े हुए आइस टाइगर से। तो ये बात तो सही कह रहा है, ऑलरेडी आइस टाइगर को अर्थ टाइगर हरा चुके हैं, इसलिए गाइस हम छुप के जाएंगे। अबे ये कौन है, ये तो हमारे दुश्मन गॉड के सबसे बेकार घटिया टाइगर्स लगते हैं। ए आइस टाइगर्स,
इधर सुनाओ। अरे स्टाइगर्स को पता चल गया, अब फ्रैंकलिन पकड़े गए। अरे सॉरी सर, गलती से आ गए थे। तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, निकलो। नहीं सॉरी, हमें माफ कर दो। अरे फ्रैंकलिन बहुत बुरा पीट रहा है यार ये हल्क टाइगर। तो हल्क टाइगर नहीं, मैं अर्थ टाइगर हूँ, ये ले तेरे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और फ्रैंकलिन मेरे पास क्या कोल्ड ब्रेथ है, मेरे पास भी होगी फिर तो। अरे वाह दोस्तों, देखिए मेरे पास कोल्ड ब्रेथ तो नहीं है, लेकिन मेरे पास खतरनाक वाली एटॉमिक ब्रेथ है। क्या मारा मैंने लिटरली में। अभी तो गाइस जितने भी अर्थ टाइगर थे उनकी मैंने बैंड बचा दी। फ्रैंकलिन जल्दी कर, हमें यहाँ पर इस अर्थ टाइगर के सारे ये जितने भी पावर्स छीन लेंगे। नहीं, ये क्या कर दिया इंसान हो तुमने, मुझे फिर से छोटा सा अर्थ टाइगर गॉड बना दिया। वाह फ्रैंकलिन, अभी गाइस अर्थ गॉड की बैंड बजाते हैं। ये ले अर्थ टाइगर गॉड, तूने गलत किया था। चलो यार टोनी स्टार्क, जल्दी निकलते हैं यहाँ से। ऑलराइट गाइस, हमने आइस टाइगर के जितने भी पावर्स थे ना वापस ले लिए हैं। वाह मेरे बच्चों वाह, अब इन पांचों पावर्स का इस्तेमाल करके मैं दुनिया का सबसे पावरफुल फिर से आइस एज जितना ऑल फादर 10 हेडेड आइस टाइगर गॉड बनने जा रहा हूं। ओके गाइस, मुझसे तो इंसान नहीं हो रहा यहां पर आइस टाइगर की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हुए। बिल्कुल फ्रैंकलिन, मैं भी देखना चाहता हूं। ओ भाई फ्रैंकलिन, क्या स्पीड में हो रही है यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 हेड्स हो चुके हैं, मुझे तो लगा था 10 हेड होंगे। बिल्कुल बच्चों, मैं 10 हेडेड ऑल फादर आइस गॉड बन चुका हूं। वाह, इतना ही नहीं, अब मैं यहां पर अपने सारे टाइगर्स को जिंदा करने जा रहा हूं, तुम देखना चाहोगे? अरे बिल्कुल देखना चाहेंगे गाइस, आप भी देखना चाहते हो तो कमेंट में यस लिखो, कैसे जिंदा होंगे आइस टाइगर। ओ भाई, आइस टाइगर के पास क्या ही पावर है। फ्रैंकलिन देख, सारे के सारे टाइगर जिंदा होते जा रहे हैं, और यहां पर अब ये फल फूलेंगे और जंगल में अपना परिवार बढ़ाएंगे, उससे हमारी दुनिया और खुशहाल होगी, दुनिया की गर्मी कम होगी और ठंड से लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। बिल्कुल सही कहा टोनी स्टार्क, तूने क्या बात है गाइस, देखिए क्या खूबसूरत तरीके से जितने भी आइस टाइगर थे बेचारे मरे हुए थे वो सब के सब जिंदा होते जा रहे हैं। बिल्कुल मेरे बच्चों, यहां पर ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया। अभी तो टोनी स्टार्क मुझे मेरा गिफ्ट भी चाहिए। बिल्कुल फ्रैंकलिन, लेकिन यहां पर इतना खूबसूरत गिफ्ट हमें मिल चुका है, हमने सारे आइस टाइगर्स को बचा लिया जो कभी लुप्त हो चुके थे आइस एज में। और गाइस अब समय आ गया हमारे गिफ्ट का। बिल्कुल मेरे बच्चों, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। ओके गाइस, मेरे पास और स्टार्क के पास अब जायंट आइस टाइगर आयरन मैन का सूट आ चुका है, और साथ साथ में हमारे पास आ गया है जायंट आइस टाइगर हल्क का सूट। बिल्कुल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज जल्दी से लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो, साथ साथ में स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच गाइस।